मुंबई से सटे अंबरनाथ निवासी समाज सेवक राम वाधवा द्वारा उठाए गए कदम ने समाज को नई राह दिखाई है। इस अनोखी पहल से 72वें स्वतंत्रता दिवस को 27 कैदी स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा किए जाएंगे। ये कैदी वो हैं जो जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा काट रहे थे। इस घटना के बाद उनका ध्यान कैदियों की ओर गया। बातचीत के दौरान उन्होंने ये पता चला कि कुछ ऐसे भी कैदी हैं जिनका कोई नहीं है या जरा से जुर्माने की राशि नहीं चुकाने के कारण वे रिहा नहीं हो पा रहे हैं। तब उन्होंने ऐसे कैदियों की मदद का फैसला किया। राम वाधवा इस कदम में गुलाब राव का साथ भी रहा है। जेल में मौजूद रहे चंपक लाल गदा, दिलीप जोशी और ग्रेट कॉमेडियन श्याम रंगीला भी साथ में रहे। आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, सिर्फ तू ही पाबंदी। अब मैं मेरा खास आइटम पेश कर रहा हूँ। ये आइटम मेरा खास और फेवरेट इसलिए कि आइटम मैं जहां भी जाता हूँ एक बार करता हूँ, दो बार करता हूँ, तीन बार करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मत कर, तो भी करता हूँ। ये मेरा फेवरेट फिल्म है। वो आइटम भी है जब हम और आप बच्चे थे, हम लोग कैसे रहते थे, कैसे थे फिल्म स्टार, ये लोग बच्चे थे, ये लोग कैसे थे। आवाज बच्चे की स्टाइल वही है। जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रहा होगा, आवाज बच्चे की स्टाइल वही है। पसंद आया तो जरूर करें। जब बचपन में शत्रु कैसे रहते, आवाज बच्चे की स्टाइल वही। दादा बोली अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी पैदा सी बीमार झूले में कैसे रहे होंगे। पैदा होते हर मिनट आने वाला है। आप लोग की दुआएं मेरे साथ है। सर आपका सदस्य आपको एवरी 3-4 सेकंड में एक एक नाम पढ़ना, मैं बिना रुके हुए बिना खासे में 952 एकड़ की आवाज में आप सभी को हैप्पी लिबरेशन डे बोलूंगा। आप लोग की दुआएं मेरे साथ है। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसे कि आज हमने आदरवाड़ी जेल कल्याण में कार्यक्रम लिया, वहाँ दिलीप जोशी जी, श्याम रंगीला जी, VIP जी, इन सब का हमने वहाँ स्वागत किया और कैदियों के साथ उनका एंटरटेनमेंट का फंक्शन एक रखा गया था। उनका मार्गदर्शन भी इन्होंने किया है। वहाँ एक स्वस्थ भारत अभियान के कुछ लोग आए थे जिन्होंने वहाँ पे योग प्रशासन और योग का उन्होंने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एक बात उन्होंने बताई कि जो स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत तब होगा जब स्वच्छ भारतीय बनेंगे। स्वच्छ भारतीय बनने के लिए हमारी जो सोच है, हमें पहले सबसे पहले हमारी सोच को अच्छा करना है। सोच जो हमारी साफ होगी, स्वच्छ होगी, तब जाके जो स्वच्छ भारत अभियान है वो रंग लाएगा और वो कामयाब होगा। मैं बाकी धन्यवाद करना चाहूँगा VIP जी का, श्याम रंगीला जी का, गुलाबराव जी जिन्होंने सहयोग किया, उसके अलावा जेल के IG VN जाधव साहब, जेल के सुपरिंटेंडेंट भारत भोसले और उनकी पूरी टीम का। साथ ही साथ आप सभी को भी मैं धन्यवाद करूंगा जो आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए और इस इवेंट को कवर करें। तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हमें इस तरह से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए और जेल में जाकर आपने सेलिब्रेट किया और आपके जो इतने सारे गेस्ट आपने इनवाइट किए, तो ये इनवाइट करने में क्या आपको कोई दिक्कत है या सभी लोग रेडी हो गए इस चीज के? ऐसा है, आज से 4-5 दिन पहले हम बैठे थे, मैं और गुलाब राव जी, एक मूवी चल रही थी जेल, हम जेल मूवी देख रहे थे। तो वहीं पे वो जेल मूवी देखते देखते गुलाब जी ने बताया कि देखो जेल में यहाँ लोग बैठे हैं, एक साल से कोई है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल के, जिनका जामीन हो गया, उनको बाहर निकलने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत है, वो भी नॉर्मल अमाउंट 2,000, 3,000, 5,000, 10,000। तो क्यों ना हम उनकी मदद करें। उसके बाद मैंने जो स्पेशल जेल के IG है VN जाधव साहब, उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि हमें इस तरह की गवर्नमेंट से मंजूरी चाहिए कि हम कैदियों को मुक्त कराएं।
उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद मैंने वीआईपी जी, श्याम रंगीला जी, दिलीप जोशी और कई कलाकारों को मैंने कॉन्टैक्ट किया पर्सनली, जिन्हें मैं जानता हूँ। तुरंत मेरे एक ही फ़ोन पे सबने हाँ कह दिया, क्योंकि ये जो एक मकसद था कि कैदियों को रिहा करवाना आज़ादी के दिन, और आज़ादी के दिन खुद हम अंदर जाके बैठ गए लेकिन उनको हमने रिहा करवाया, तो सब जन ने तुरंत हाँ कह दिया और किसी ने भी आने के लिए कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद ही सब पहुँच गए यहाँ पे, खुद ही उन्होंने अपना प्रोटोकॉल किया, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आए। किसका आइडिया था ये कि मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोग को? ये गुलाब राव जी और मैं जब लास्ट वीक मूवी देख रहे थे जेल, तब ये आइडिया हम दोनों के दिमाग में आ गई और हमारे विचार काफ़ी मिलते जुलते, तो उनकी आइडिया और मेरी आइडिया, तो हम दोनों ने मिलके ये आइडिया की और उसके बाद हमने जेल के आईजी वीएन यादव उनसे कांटेक्ट किया और उनसे हमने गवर्नमेंट से परमिशन मंगवा के ये कार्य किया। तो परमिशंस लेने में कहीं कुछ दिक्कतें आई आपको, क्योंकि जेल का जेल के अंदर जाना और वहां पर प्रोग्राम करना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा? मोदी सरकार आने के बाद जो गवर्नमेंट का काम है जैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी तरह ईज ऑफ डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स भी हो गए। अभी मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया स्पेशल आईजी वीएन यादव साहब को, उन्होंने मुझे कहा कि राम आप तुरंत एक पत्र बना करके मुझे फैक्स करिए, मैं अभी ऑन द स्पॉट आपको अप्रूवल दे रहा हूँ। मैंने उनको फैक्स किया, विद इन 5 मिनट के अंदर मुझे जेल से कॉल आता है कि हमारे सुपीरियर्स ने हमको ऑर्डर दिया है कि इस तरह का आपका फंक्शन करना चाह रहे हैं और उसकी आपको परमिशन मिल गई है, जिसके बाद मैं वहाँ गया गुलाब राव जी और मैं हम वहाँ गए, जेल के सुपरिंटेंडेंट भारत भोसले उनके साथ बैठक की हमने, उनका जो जेल का जुडिशियल डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ था उनके साथ बैठक की और कैदियों की लिस्ट बनाई, 30-35 कैदियों के नाम दिए, उनमें से हमने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जैसे कि कुछ आरोपी थे रेप के तो हम नहीं चाहते थे कि रेप के आरोपी को हम छुड़ाएं, तो हमने उनके नाम कट किए, कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर थे कि जिनको हम छुड़ाएं भी तो पता है वो 2 दिन बाद फिर वहाँ जाएंगे, तो हमने वो नाम कट करके लगभग 20-22 लोगों को आज के दिन रिहा करवाई, 27 लोगों को आज के दिन हमने मुक्त कराया। ओके सर, बिजनेस के बारे में जानना,